सुबह काम कर रही थी घर का काम, इतने पे चार लोग कूद के और मेरे सिर में माला पहन चुके हैं। मेरे घर में आके कूद के या दीवार से चार लोग थे, मेरे डंडा मारा तो धमकी देता है ये साले, ये तो तेरा मार दिया मैंने, मरवा दिया और साले तेरे ऐसा कर दूंगा। 10-11 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं गाड़ी से, उसका डर है, धमकी दे रही थी उस दिन जगह ली थी, अभी तो जिंदा छोड़ दी है, अब मार के तुझे थाने जाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी, आज आया हूँ मैं गिरधरपुर में, जहाँ दबंगों ने एक घर का जीना हराम कर दिया। जी आपको बता दूँ कि दबंगों के द्वारा घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया जाता है, गहन चोटें आती हैं, मगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। तो वहीं उस घर में आज हम आए हुए हैं और रूबरू कराएंगे उस परिवार से जो डर से इस समय जी रहा है, कैसे डर से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जो कि शिकायत करने पर भी दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आइए बात करते हैं उस परिवार से। तो सबसे पहले बात करेंगे जी, क्या नाम है आपका? साधना। क्या पूरी घटना थी? घटना थी शाम को 11 बजे गाड़ी में आए थे, गाड़ी बैक कर रहे थे, गाड़ी बैक करते हुए मतलब कौन आया था शाम को 11 बजे? कौन आया था? मेरा हस्बैंड। क्या नाम है आपका? संदेश। अच्छा, कहाँ से आए थे? जरौली से। जरौली से आए थे? हाँ। अच्छा, फिर क्या मामला हुआ? कुछ नहीं होता, गाड़ी बैक करके पीछे गाड़ी चढ़ा रहे थे। अच्छा। गाड़ी बैक करते हुए मतलब रोड पे गाड़ी आ गई थी, नाली में पहिया चला गया था, इसलिए ना गाड़ी का शीशा फोड़ दिया सारा। मैंने पूछा क्या बात है, गाड़ी शीशे का उसमें तो गया ना सरकारी रोड में, तेरे घर में तो नहीं गया ना, इतने मेरे में डंडा मार दिया। फिर ने बोली कोई बात चाहिए लेट जाए, घर में बुला लाए। फिर बाद में सुबह काम कर रही थी घर का काम, इतने पे चार लोग कूद के और मेरे सिर में माला पहन चुके हैं, मेरे घर में आके कूद के या दीवार से चार लोग थे, मेरा डंडा मारा, वो मारा सिर में। जो चार लोग थे इनमें कौन कौन व्यक्ति थे? एक तो तीन आदमी थे, एक लेडीज थी। अच्छा, आदमी का क्या नाम था जो आदमी थे? दो को जानती हूँ बस, एक का बूढ़ा था, इसके हस्बैंड का और इसका गुड्डू देवी। अच्छा, एक बूढ़ा थे और एक गुड्डू देवी थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मारपीट की मेरी और मेरी सास की, मारपीट के फिर भाग गए, जब गांव के लोग आने लगे तो देख लिया तो। अच्छा, तो चोटें कहाँ कहाँ आई थी आपको? चांद में आई है, यहाँ आई है और पूरे शरीर में दब चोट है, डंडे हैं और जो मतलब जहाँ पे लोहे का वो मारा है, हसिया और सरिया जो खुली चोट है और उसी से पूरे शरीर में मारा, उसमें दब आई है। लोहे की सरिया से आपको मारा है? हाँ, और हसिया था। तो कोई कार्रवाई की पुलिस ने? पुलिस ने कोई कार्रवाई की? हाँ। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? कार्रवाई पुलिस ने की है, वो मेरे हस्बैंड को ससुर जी को मालूम है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कार्रवाई में। आप क्या मेरे चोट हो, मैं चाहती हूँ इनके 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 साथ कार्रवाई की जाए, सुनवाई की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोटी लल्ली है 3 महीने की, 1.5 साल का लल्ला है, मैं खुदा खास्ते मेरा कुछ हो जाता मेरे बच्चों का कौन था, उसकी सोच मरी सोच के छोड़ी ना उसने तो। मेरा पति का डर है जाता। 10-11 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं गाड़ी से, उसका डर है, धमकी दे रही थी उस दिन जगह ली थी, अभी तो जिंदा छोड़ दी है, अब मार के तुझे थाने जाऊंगी तो। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, होना चाहिए ना, चाहते क्या है तो, आप लोग क्या चाहते? आपकी FIR लग गई? हाँ लग गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की? नहीं की है। ठीक है, धन्यवाद जी। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा महारानी। क्या थी पूरी घटना? मेरी बहू भी खेल रही सुबह को, मैं परी, मैं उठी तो मैं भी गई इसके जोरें कि बचाने लिया कि मार दी, मैं भी डाल ली, मेरे मार डंडे मारे, कमर में मारे, पीठ में मारे, कमर में मारे, समरे मारे मेरे। अच्छा, चोटें आपको भी आई हैं? हाँ, मेरे बहुत चोट आई है, गंभीर मोड़ उठा नहीं जाता है। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? अब चाहते नू है कि मेरा बेटा का रात बरात का डर है और जो धमकी देता है कि साले ये तो तेरा मार दिया मैंने, मरवा दिया और साले तेरे ऐसा कर दूंगा। अच्छा, आपको डर है कि कहीं ये? हाँ, डर है खेल ले कहीं कोई नई घटना घटित ना हो। हाँ हाँ, और जो धमकी देता है ये तो सारा मैंने तेरे मरवा दिया और सारे तुझे को नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, मेरा बेटा रात बरात आता है ठेके पे थे और रास्ता का बहुत डर है, उसने कह के सुना दिया है सारा छोड़ूंगा नहीं, तो ये होता तेरा मेरा खा लिया, मार दिया, मरवा दिया। जैसा कि हमने दिखाया, हमने पीड़ित घर पर आए, पीड़ितों के घर पर आकर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पीड़ित एक दबंग व्यक्ति से सहमे हुए हैं, आखिर अपना घर छोड़ने के लिए भी मजबूर हैं, आखिर इस तरीके से दबंग आए दिन दबंगी दिखाकर लोगों को डराते रहेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी
कैसे लोगों को न्याय दिला पाएंगे। लेकिन मामला यह है कि गिरधरपुर में इस तरीके से दबंग आए दिन लोगों को डरा धमका क्यों रहे हैं, इसीलिए इसमें हम आपको दिखाते रहेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी आने वाले समय में क्या कार्रवाई करते हैं क्या नहीं। और इसीलिए बने रहिए हमारे साथ HP न्यूज़ से। मैं जय चौधरी, धन्यवाद।